तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक अपडेट जो कि है रेनो ट्राइबर के बारे में। सो गाइस रेनो की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई है उसके RX-Z वेरिएंट के बारे में जिसमें वो एक चेंजेस करने के लिए जा रहे हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या अपडेट है रेनो ट्राइबर के बारे में। सो ये जानने के लिए आप चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अपडेट और ऐसी न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए डेली इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो अब बात कर लेते हैं रेनो ट्राइबर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेनो ट्राइबर एक 7 सीटर कार है और उसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 4.95 लाख टू 6.53 लाख एक्स शोरूम प्राइस। वहीं रेनो की तरफ से एक अपडेट आया है जो है इसके RX-Z वेरिएंट के बारे में। उसमें एक अपडेट किया गया है जो उसके व्हील साइज़ था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले आपको RX-Z वेरिएंट के अंदर 14 इंचेस के व्हील्स मिलते थे और 14 इंचेस का आपको टायर मिलता था जिसका साइज़ था 185/80R14, बट अब उसके अंदर आपको मिलेगा R15 का व्हील साइज़, मींस 15 इंचेस के आपको उसके अंदर व्हील्स मिलेंगे जिसका साइज़ होगा 185/65R15 का व्हील साइज़ आपको यहां पर मिल जाता है। बेसिकली और कोई भी चेंज आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो फीचर्स आपको पहले मिलते थे और जो एक्सटीरियर आपको देखने के लिए मिलता था सेम आपको वही देखने के लिए मिलेगा। कोई चेंज आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। जस्ट पहले 14 इंचेस का था, अब 15 इंचेस का मिल जाएगा, बट यहाँ पर आपको प्राइस में चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। 4000 का आपको यहाँ पर प्राइस में चेंज देखने के लिए। पहले जो RX-Z की प्राइसिंग थी वो थी 6.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस, बट वही चेंज होगा 6.53 लाख एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने चार्ट आपको मैं अभी विजिबल कर रहा हूँ। सो ये चार्ट आप देख सकते हो, किसी भी वेरिएंट के अंदर RXE, RXL, RXT किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको प्राइस में चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी। जो सेम प्राइस था वही आपको मिलेगा, बट सिर्फ आपको RX-Z वेरिएंट के अंदर 4000 का वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा जो सिर्फ व्हील साइज़ को चेंज करने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कंपनी को लगता है कि इस टॉप वेरिएंट के अंदर कुछ व्हील साइज में ज़रूर डिफरेंस होना चाहिए था जो कि अब कंपनी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो गाइज ये थी कुछ ओवरऑल ट्राइबर के बारे में अपडेट। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। बाकी अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।